नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। सरकार का दावा है कि उसने लोकसभा में खूब काम किया क्योंकि वहां उसका बहुमत है। राज्यसभा में विपक्ष ने काम नहीं करने दिया क्योंकि वो वहां कमजोर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार चाहती नहीं कि संसद चले, वो तो विपक्ष की आवाज दबाने की जुगाड़ में लगी रहती है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच देश के लिए कई ऐसे अहम फैसले थे जो लटके रहे। देश की संसद का कामकाज कैसा हो, इस पर आज हम आपको दिखाएंगे एक सर्वे रिपोर्ट और बात करेंगे अपने खास मेहमानों से अगले आधे घंटे तक। रात 8:30 बजे राम के नाम पर चल रही सियासत की सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में इस वक्त शिला पूजन का आखिर क्या मतलब है, क्या मकसद है, इस पर भी होगी मेहमानों से खास बातचीत। लेकिन पहले डिबेट नंबर 1 यानी नेताजी जनता मांगे मोर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे मैं अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 नेताजी जनता मांगे मोर। इन लोगों का बेसिकली बहिष्कार तो इनका होना चाहिए क्योंकि ये हमारी जेब का टैक्स है, हार्ड अर्न मनी है जो इन लोगों ने वेस्ट किया हमारा। अगर संसद नहीं चल रही है तो इनका पेमेंट भी उनसे डिडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी सैलरी पक्की कटनी चाहिए, उनकी सैलरी जरूर डिडक्ट होनी चाहिए। देश की जनता संसद में काम चाहती है, देश की जनता देश में विकास चाहती है, देश की जनता चाहती है कि उनके लिए जो भी फैसले हों वो संसद में अटके नहीं। लेकिन मानसून सत्र की तरह संसद के शीत सत्र में भी देश के लिए अहम कई बिल अटके रहे। सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने की जिम्मेदारी डाल रही है तो विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। इस सियासत के बीच एक वेबसाइट localcircles.com ने जनता की राय जानी। इसमें जनता से संसद के कामकाज पर राय मांगी गई थी और जनता की राय के मुताबिक 92% लोगों का कहना था अगर संसद का दिन बर्बाद हो तो उसका सत्र बढ़ा देना चाहिए। 86% लोगों का कहना था कि विपक्ष के विरोध का दिन तय हो। 90% लोगों का मानना था कि सदन की कार्रवाई रुकने से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। शासक दल की विनम्रता और विपक्ष का उत्तरदायित्व व्यवहार दोनों मिलकर के संसद चलती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म का अभाव है। अगर आप सत्र बढ़ाते हो तो सारे मेंबर तैयार नहीं होते कि आप बढ़ाओ सत्र। दूसरे ये है कि जो खर्च की बात आप करते हैं तो और दुगना हो जाएगा। अगर कोई गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई बिल आता है उनको कांग्रेस रोक के उनको क्या लाभ मिलेगा? सवाल यही है कि क्या जनता की सुनेंगे माननीय? हम तो पूछेंगे में आज का सवाल है, क्या संसद में काम न होने पर सांसदों की तनख्वाह काटी जानी चाहिए? जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। एक बार फिर इस सवाल को हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपकी राय शुमारी भी इस कार्यक्रम में जरूरी है। क्या संसद में काम नहीं होने पर सांसदों की तनख्वाह काटी जानी चाहिए? हाँ के लिए टाइप करें IBN space देकर Y और नहीं के लिए IBN 7 space N टाइप करें और 51818 पर आप अपनी राय हमें भेजें। इसके अलावा #HTP और #JanataMangeMore से ट्विटर पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक पर भी IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रखें और हम शो के दौरान लगातार आपकी राय भी दर्शकों के सामने रखते रहेंगे। मैं अपने मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जनता की राय। वेबसाइट localcircles.com ने जनता से कुछ सवाल किए थे और जनता से सर्वे में पूछा क्या क्या था, वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। क्या संसद में विपक्ष को विरोध दर्ज कराने के लिए अलग से दिन तय होने चाहिए, विपक्ष अपनी बात रख सके? हाँ, 86% लोगों ने हाँ कहा और 14% ऐसे भी रहे जो नहीं कह रहे थे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि विपक्ष को समय दिया जाना चाहिए। अगला सवाल यह था कि क्या कामकाज में बाधा रोकने के लिए संसदीय नियमों में बदलाव होना चाहिए? ज्यादातर लोग मानते हैं, 92% मानते हैं हाँ होना चाहिए, 8% नहीं भी कहते। इसके अलावा एक और अहम सवाल था कि क्या संसद में बिल पास होने में देरी सरकार के कामकाज पर असर होता है इससे? जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोगों ने इस पर भी माना है कि हाँ, सरकार के कामकाज पर बहुत बुरा असर इससे पड़ता है। 94% लोग कह रहे हैं, 6% नहीं भी कह रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए कई अहम मेहमान, अहम चेहरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी मेरे साथ जुड़ रही हैं,
अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंद्रमाजरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और लोकल सर्कल्स जो वेबसाइट है जिसने पूरा सर्वे किया है उसके चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर के वाई राजावत साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यतीश जी, यतीश राजावत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम तो पूछेंगे में सबसे पहले सभी पक्षों की राय और पैनलिस्ट की राय, मैं चाहूँगा कि आप 45 सेकंड में अपनी बात को सब लोगों के सामने रखें और आप सभी ज़्यादातर लोग फॉर्मेट से वाकिफ हैं। संवित, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सांसदों की तनख्वाह काट ली जानी चाहिए, और इस पर जब आप कह रहे होंगे तो दर्शक भी अपनी राय लिखकर भेज रहे होंगे जिस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका समय शुरू होता है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि तनख्वाह काट लेना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर ये तनख्वाह काट लेने से क्या सांसदों के जीवन में किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है। जितने सांसद हैं बड़े वेल टू डू लोग हैं और उनके पास ये जो पैसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जिस प्रकार से संसद का काम ठप हुआ है, संसद सर्वोच्च मंदिर होता है लोकतंत्र का, और जिस प्रकार से बचकाने तरीके से संसद के काम को रोकने की कोशिश दिन पर दिन सत्र पर सत्र हो रहा है, ये बड़ा दुखद सीन है, ये बड़ा दुखद विषय है। देश को चिंता करना होगा, हर सांसद को सोचना होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया जी और राहुल जी पकड़े जाते हैं, कोर्ट उनको समन करती है, उस पर संसद को बंद कर दिया। अरे कोर्ट जिस विषय में कहती है कि आपराधिक साजिश किया है। और ये जो वेबसाइट है लोकल सर्कल, इसने कई पहलुओं पर बातचीत की है, तो क्या क्या वो पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि संसद ठप होने का जिम्मेदार कौन है, विपक्ष जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं या इसकी और भी वजह हो सकती है। रीता जी, अब आपसे जरूर यह जानना चाहेंगे क्योंकि बार बार संसद ठप होने के लिए जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया जाता है, पहले आप अपनी बात कहें अपने निर्धारित समय में। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट का जो सदन है वो सबसे अच्छी है और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर विपक्ष देश की आवाज को बुलंद करता है और विपक्ष का दायित्व बनता है कि जो गलत काम हो रहे हैं उसके खिलाफ बोले। अगर आप किसी गवर्नर को इस्तेमाल करेंगे सरकार गिराने के लिए तो हंगामा होगा, अगर आपका रक्षा मंत्री दलितों की संज्ञा एक कुत्ते से करेंगे तो हंगामा होगा, अगर आप ऐसे सूझ बात बाहर करके सदन में आएंगे तो इसका हंगामा होगा, अगर कहीं भ्रष्टाचार आपके वित्त मंत्री पर आरोप लग रहे हैं आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो हंगामा होगा, अगर आप विपक्ष में अपने अगर आप सत्ता में बैठे अपने अपने मंत्रियों को और मुख्यमंत्री। चलिए, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अभी पैनल पर भी क्या होने वाला है जब ये डिबेट ओपन होगी, क्योंकि आप लोगों के ये तर्क हैं और ये तर्क हम सुनते आए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आज जो जनता ने अपनी राय रखी है इस वेबसाइट के जरिए, सर्वे के जरिए, उसका भी कुछ सम्मान हो। चंद्रमाजरा साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस संसद के सदस्य भी हैं, कौन जिम्मेदार, क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो संसद में रुकावट आई और शोर मचा उसके लिए तो विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष के लोगों ने बिना किसी इशू से संसद में शोर मचाया, और एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स होते हैं संसद के, उसके अनुसार बात कहने का अधिकार है विपक्ष को, सरकार में जो गलत काम होते हैं उसको पॉइंट आउट करने का अधिकार होता है, किंतु कुछ समय के लिए होता है, ये है उसको आधार बना के संसद को ही रोक दिया जाए, और जो कोर्ट के फैसले हैं उसको लोगों की अदालत में लेकर शोर शराबा किया जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो देश देख रहा था, देश के लोग अपेक्षा करते थे, जैसे किसानों के मामले, जिस तरह बहुत से मुद्दे, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो localcircle.com ने रखे हैं, और उसके बारे में भी मैं, अब क्योंकि यतीश जी की बारी है, कई सवाल भी हैं। यतीश जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आपने दोनों ही पक्षों को सुन लिया है, कौन जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है विपक्ष संसद नहीं चलने देता जैसा हम देखते भी हैं, लेकिन कई ऐसे भी इश्यूज हैं जो विपक्ष उठाता है कि सत्ता पक्ष क्यों मजबूर करता है विरोध के लिए, आप अपनी राय रखें 45 सेकंड में। देखिए, विपक्ष और सरकार दोनों का दायित्व बनता है कि संसद चले, सिर्फ एक विपक्ष से या सरकार से संसद नहीं चल सकती, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं और इनको साथ ही चलना है। इसके लिए चाहे तो ये संसद को, इस सत्र को बढ़ा सकते थे, या इस सत्र और बजट सत्र के बीच में एक नया सत्र भी प्रपोज कर सकते थे, लेकिन इच्छा नहीं है, और आम आदमी इसको देख रहा है पिछले 3 सत्रों से, और वो परेशान है, वो देख रहा है कि काम कुछ होता नहीं, बातें हजारों होती हैं, संसद नहीं होती, हंगामा होता है। तो अब
ये हंगामा इस कदर तक आम आदमी के जहन में बैठ गया कि वो कहता है कि इन लोगों की ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, डिबेट ओपन करते हैं। सबसे पहले संवित जी, क्या सत्र को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था जैसा ज्यादातर लोगों की सर्वे में राय है? दो बातें हैं। पहले तो मैं बड़े ध्यान से रीता जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनको सुन रहा था। 45 मिनट में उन्होंने 25 बार कहा हंगामा होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए। हंगामा नहीं होना चाहिए रीता जी, चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई भी मसला हो, चाहे गवर्नर का मसला हो, चाहे इंटॉलरेंस का मसला हो, जो भी आपको लगे आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए। हंगामा पार्लियामेंट में कभी नहीं होना चाहिए, वो गलत शब्द है। दूसरी बात, अभी जो हमारे लोकल सर्विस के सीईओ बैठे हैं उन्होंने कहा दो पहिए की तरह होती है सरकार और विपक्ष, दोनों साथ मिलकर चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात उन्होंने फरमाई, मगर जब एक पहिया पूरा जाम हो गया हो, दूसरा पहिया कितने तेजी से भी चले तो गाड़ी चलेगी कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना कि कौन सा पहिया जाम हुआ है। रीता जी कहेंगे आपका वाला पहिया जाम हुआ है, आप कहेंगे जी वाला पहिया जाम हुआ है। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है संबित, आप भी सुनिएगा। यतीश, ये बात तो हम सब जानते हैं कि विपक्ष जो है वो हंगामा करता दिखता है, पिछली सरकार की बात हो चाहे इस सरकार की बात हो। आप सत्ता पक्ष को कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे? सत्ता पक्ष की क्या गलती है इस हंगामे के पीछे? देखिए, सत्ता पक्ष की और ज्यादा दायित्व बढ़ जाता है कि उसको हंगामा ना रहने दें। पार्लियामेंट में प्रोसीजर है और कई देशों में तो विपक्ष के लिए दिन तय होते हैं कि ये 20 दिन, जैसे ब्रिटेन में होता है कि ये 20 दिन इस सत्र में अपोजिशन के लिए हैं, वो जो मुद्दा उठाना चाहें, वो जो बिल उठाना चाहें, वो जिस चीज पे बहस करना चाहें कर सकते हैं। ये सवाल संबित रखा गया था कि क्या संसद में विपक्ष को विरोध दर्ज कराने के लिए अलग से दिन तय होने चाहिए? 86% लोग मानते हैं, आम लोगों से जब राय मांगी गई उन्होंने कहा हाँ होने चाहिए, ने ज्यादातर लोग मानते हैं कि आप विपक्ष को विरोध दर्ज कराने के लिए अलग से दिन दें। ये बहुत अच्छी बात है जी। जी संविद, हम सुन रहे हैं। देखिए, इसका उत्तर देना चाहूंगा। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लोगों ने भी बिल्कुल सही कहा कि ये विपक्ष के लिए अलग दिन होने चाहिए। ये यूके में भी सिस्टम फॉलो होता है। मैं आपको याद दिलाऊं, अरुण जेटली जी ने अगस्त के महीने में एक आर्टिकल लिखा था और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जय पंडा जो कि बीजेडी के सदस्य हैं, लोकसभा से सांसद है, उन्होंने ऐसे ही कुछ विषयों पर राज्यसभा को लेकर एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। कांग्रेस के लोगों ने प्रिविलेज का मोशन पास किया कि आप ऐसे कह कैसे सकते हैं कि विपक्ष के लिए कुछ दिन होगा और राज्यसभा की पावर कम कर दी जाएंगी, ये हो ही नहीं सकता, हम हर दिन हंगामा करेंगे। ये लोगों की बात। रीता जी, क्या आपको लगता है आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं जो आम लोग कह रहे हैं, 86% लोग कह रहे हैं कि संसद में विपक्ष को विरोध दर्ज कराने के लिए अलग से समय दीजिए? संवित जी की बहुत ज्ञानी बातें मैं सुन रही हूँ और ये भूल रहे हैं कि 2011 से 2014 तक आपके यही जेटली जी राज्यसभा के आपके लीडर थे पार्टी के, और उन्होंने क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा था अपना विरोध दर्ज करने और हंगामा के जरिए, शोर मचाने के जरिए हम अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, और आपने नहीं चलने दिया ना लोकसभा ना राज्यसभा। आप जब करें तो बहुत सही, हम जब कोई अगर किसी सही मुद्दे पर बात करें तो आप कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। आप कैसी दोहरी बात करते हैं, आपका दोहरा चरित्र हर चीज में नजर आता है। आपकी पार्टी विपक्ष में रहे, आप ना लोकसभा चलने दो ना राज्यसभा चलने दो, हम विपक्ष में हो तो हम आपके पीछे लगकर आपके सबसे ही गलत काम कराएं। क्यों हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्यों पारित कराते हैं आपका, और जीएसटी इस रूप में ठीक आप है, रीता जी, मेरा सवाल तो जिसका तस रहे, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, आपको लगता है विपक्ष का विरोध दर्ज कराने के लिए अलग से समय होना चाहिए? जैसा 86% लोग मान रहे हैं इस सर्वे में, विपक्ष के लिए अलग से समय तय हो, अपना विरोध जताएं इत्मीनान से तैयारी करके, ये पूरे पूरे बैठकर पार्लियामेंट को खुद तय करना पड़ेगा प्रोसीजर्स क्या हो। ये प्रोसीजर हम और आप तो बैठ के तय नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। पार्लियामेंट राय तो रख सकते हैं, आपको क्या लगता है? आप इतनी पुरानी राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति को समझती हैं, अपनी राय तो रख ही सकते हैं। आपको लगता है एक समाधान हो सकता है? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो और आप एक मुख्यमंत्री के कार्यालय पे रेड कर दो, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो आप एक सरकार को, निर्वाचित सरकार को गिराने का, अभी आप दोनों की डिबेट में यतीश कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो सर्वे को कंडक्ट किया है उन्होंने, एक मिनट सुनिएगा। घेरे में आ जाए, घेरे में आ जाए। देखिए, ऐसा है कि जो ये जो बहस है कि उन्होंने गलती की और हमने गलती की और हम हंगामा करेंगे और
हमारा संवैधानिक हक है ये करने का। आपको ये चीज बड़ी मतलब आम जनता इस बात से बड़ी त्रस्त हो गई है। आप ये समझिए कि अगर आपको कोई चीज पेश करनी है किसी चीज किसी मुद्दे पे आपको बहस करनी है तो आप डिस्ट्रक्शन मत करिए, बहस करिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि आप संसद को चलने ना दें। रीता जी शोर में डिस्ट्रक्शन करिए वरना एडजॉइन करना। चलिए प्रोसीजर्स के तहत भी आप पहले आप चलिए एक लाइन में जो अभी रीता जी कह रही हैं, संवित सवाल ये है कि मुद्दे इतने ज्यादा संवेदनशील इतने गंभीर होते हैं कि शोर के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, ऐसा रीता जी कह रही हैं जो मुझे समझ में आया। सरकार संलग्न होती है ना, सरकार संलग्न होती है। देखिए मैं आपका जवाब दे रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले टेलीविजन देख रीता जी डिस्ट्रप्शन मत करिए प्लीज, डिबेट में भी डिस्ट्रप्शन मत करिए। हाँ, मैं कुछ दिनों पहले जब नेशनल हेराल्ड का केस हुआ उसके अगले दिन ही 7 तारीख को जजमेंट आई, मैं 8 तारीख को पार्लियामेंट देख रहा था। मैं आपको एक बात बताते हूँ, अनुभूति बताता हूँ अपना। उस समय जो चेयरमैन बैठे थे राज्यसभा में उन्होंने कहा आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या माजरा है बताइए, क्या माजरा है बताइए। तो लोग जो कांग्रेस के खड़े थे वो हो ये होता है तरीका, ये नर्सरी क्लास के बच्चे भी ऐसे नहीं करते हो। अरे आप बताते तो सही किस लिए आप पार्लियामेंट बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं पार्लियामेंट, हो अरे ये किंडरगार्टन वाला बिहेवियर बंद करना पड़ेगा पार्लियामेंटेरियन को। आप हमारा लंच खा गए थे, हम आपका लंच खा जाएंगे, ये ऐसा होता है क्या, ये हो क्या होता है? नहीं नहीं, पूरे विश्व ने देखा है उस दिन हो ये हो क्या होता है। अरे आप मुंह खोल के बोलिए कि किस लिए आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, हो मुकदमे लगा रहे हैं। ऐसा कभी दृश्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा किसी पार्लियामेंट में, गुजरात से लेकर ये हो क्या है, हिमाचल से लेकर ठीक है, आपने गहलोत जी हो, हुडा जी हो, वीरभद्र हो, एक्चुअली शायद यही होता है जैसे ये पूरा देखिए डिबेट में कुछ निकल के युद्ध में चले जाएंगे, ये डिबेट में कुछ निकल के युद्ध में ऐसा हुआ था, संसद से भी बाजी लाओ ने ऐसा किया था, खत्म हो जाता है, हम भी ऐसा करेंगे। चंदू माजरा साहब आप संसद के सदस्य हैं, जनता सांसदों को जब चुनकर भेजती है तो उम्मीद करती है कि आप लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट तो छोड़िए शोर मचाने का कारण तो यही था कि जब विपक्ष में बीजेपी थी वो शोर मचाते थे, हम भी शोर मचाएंगे। इट मीन्स इनके पास इश्यू कोई नहीं था। दूसरी बात, जहां एक विपक्ष के लिए चंदू माजरा साहब, आप लोग असहाय महसूस करते हैं, आप लोग असहाय महसूस करते हैं, या आपने कोई तरीका सोचा, आपने कोई तरीका सोचा? एक मिनट रुकिए रीता जी, एक मिनट रीता जी, एक मिनट ऐसे रीता जी, एक मिनट सुनिए तो इनको चुप कराए, रीता जी को चुप कराए हम, रीता जी एक मिनट, रीता जी इन लोगों की रीता जी ये ना सुनते हैं ना, ये ना सुनते हैं ना देते। एक मिनट बात सुन लीजिए, ऐसा कोई गुमराह नहीं होने वाला, उनकी बात सुन लीजिए, पहले गलत होगी उसको काटिएगा अपनी बात रखिएगा। ये सारे देश को गुमराह करते रहे, इनको कोई ना कुछ तो कहे तो इनको, जब ये करते हैं इनको टोक। मेरा सवाल आपसे ये है चंदू माजरा साहब, मेरा सवाल सुनिए आप, मेरा सवाल ये है कि क्या हमेशा विपक्ष ये कर रहा है इसलिए ये असहायता आप उन लोगों को दिखाएंगे जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, जिन्होंने आपको जिम्मेदारी दी है, और जो इस सर्वे में कह रहे हैं तमाम लोग कि आप लोगों को जिम्मेदारी कर देते हैं। इस जो बड़ी बात निकल के आती है वो ये है कि सरकार भी ऐसी असहाय दिख रही है कि हम संसद को चला नहीं सकते, क्यों नहीं चला सकते? आम आदमी ये नहीं समझता कि काम करने के लिए समय होता है, बस यही तो सवाल है। जीरो आवर में अर्जेंट मैटर उठा सकते हैं और इस सेशन में भी ये कांग्रेस वालों ने अर्जेंट मेरा सवाल समझिए चंदू माजरा साहब, मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है, अभी आपको जिन लोगों ने आपकी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित करके भेजा है क्या आप उनसे ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा असहाय हूँ, आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि रीता जी बहुत हल्ला कर रही हैं? ये तो सच है, ये तो हमें इस बात का अफसोस भी है, शर्मशार्म भी है कि हमारे लोगों ने हमें चुनकर भेजा, हम किसान की बात करनी चाहते थे, हम मजदूर की बात करनी चाहते थे, हम बेरोजगारी की बात करनी चाहते थे, हमारे 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 वोटर हमारे हमारे वोटर हमारे पे अपेक्षा करते थे, हमारे पे अपेक्षा करते थे, पार्टी की तरफ से आप ये बात करेंगे और मैंने तो सरकार की तरफ से जब सोखा में
मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है। संबित, क्या आप भी इस बात से इत्तफाक रखते हैं जो चंदू माजरा साहब कह रहे हैं कि आप असहाय हैं विपक्ष के सामने, सत्ता पक्ष असहाय है और वो काम नहीं कर पा रहा, जनता के सामने शर्मिंदा महसूस करता है? देखिए, मैं तो उसका उदाहरण इसे डिबेट से ले लेता हूं। जैसे ही हम लोग कुछ अच्छा बोलने का और सत्य बोलने की कोशिश करते हैं, रीता जी बोलने नहीं देती है, वो डिस्ट्रप्शन शुरू कर देती है। तो मैं, मेरे पास दो उपाय हैं, मैं और जोर जोर से चिल्लाने लगूं या शांत हो जाऊं, विनम्र हो जाऊं। तो सरकार की भी यही है, या तो सरकार जोर जोर से चिल्लाए और विपक्ष जो वेंडेटा कहती है ना, ये सरकार कुछ भी ऐसा नहीं करती है, सरकार चुप होके क्या करे। अगर थोड़ा भी आप देखिए, आपको याद होगा स्पीकर ने कुछ लोगों को सस्पेंड किया था, इन्होंने जाके स्पीकर के घर के सामने तमाशा किया, वहां जाके वो खड़े हो गए धरने में कि स्पीकर खराब है। तो ऐसे लोगों को देखिए, ये बदले की राजनीति है। हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो हम दूसरे को प्रधानमंत्री रहने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे हम संसद चलने नहीं देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आखिरी दौर में बातचीत के इस डिबेट में एक फटाफट मैं आपसे जानना चाहूंगा शॉर्ट में, सरकार कैसे जिम्मेदार? नहीं, सरकार इस तरह जिम्मेदार कि अगर सरकार चाहती है कि मैं अगला सत्र जो बहुत ही जरूरी है, बजट का सत्र है, और वो चाहती है मैं इसको ये चले, तो पहले के दो दिन वो विपक्ष को दे दे कि आपको जो कहना है जिस चीज पे और विपक्ष इसके लिए तैयार ना विपक्ष हो तो। नहीं, विपक्ष को तैयार करे हर चलिए ठीक है, ये तो खैर बहुत अभी इस पर बात करना मुश्किल है, लेकिन संबित आपको लगता है ये एक तरीका हो सकता है कि दो दिन आप चाहूंगा? हाँ बोलिए। देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। नेशनल हेराल्ड केस जब हुआ तो कांग्रेस बार बार कही कि इस पे हमारा साथ जो है सरकार नहीं दे रही है। कैसे सरकार साथ देगी? सरकार जाके कोर्ट को कहेगी नहीं नहीं, अरे आप इनको छोड़ दो, माँ बेटे को छोड़ दो, ऐसे होता है क्या साथ देना? अरे कोर्ट ने जब माँ बेटे को पकड़ लिया है तो सरकार क्या करेगी? तो माँ बेटे को ही तो जाके चक्की पीसना पड़ेगा, कोई और थोड़ी चक्की पीस सकता है। अगली एक और चर्चा है, उसमें संबित पात्रा, रीता बहुगुणा जोशी मेरे साथ बने हुए, चंदू माजरा साहब आपका, यतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने एक सवाल पूछा था, अब वक्त है हमारे जवाब का। हमारा सवाल था कि क्या संसद में काम नहीं होने पर सांसदों की तनख्वाह काटी जानी चाहिए? 98% दर्शकों का जवाब हाँ है, 2% दर्शकों का जवाब नहीं है। हालांकि संबित भी कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए। और अब बात ट्विटर पर किए गए हमारे पोल की, ट्विटर पर भी हमने अपने दर्शकों से यही सवाल पूछा था। ट्विटर पर हमारे 99% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 1% दर्शक ऐसे भी हैं जो नहीं में जवाब दे रहे हैं।